वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। और ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ न्यू गेस्ट मौजूद होंगे, तो उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। उनसे मैं पूछती हूँ कि वो लेट क्यों हैं और इंट्रोडक्शन भी करवाती हूँ। हमारे साथ खुर्रम अब्बास साहब हैं, एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। क्यों लेट हुए आप, सबसे पहले तो ये बताएं। बस वो थोड़ा सा मेरी गाड़ी प्रॉब्लम कर रही थी। अच्छा, स्टार्टिंग में, तो अभी अल्लाह का शुक्र है स्टार्ट हो गई तो मैं आ गया। सही, माशाल्लाह, चले अच्छी बात है। खुर्रम साहब, आज टॉपिक है हमारा बहू और बेटी में फर्क, क्योंकि बहू और बेटी में फर्क से लोग ये समझ रहे होंगे कि वकील साहब से क्या बात करेंगे ये लोग। तो ये बात करनी है, मैं आपको बता दूं जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, कि जब बहू और बेटी में फर्क करते हैं ना, तो बहू जब होती है वो एक टाइम ऐसा आता है साल डेढ़ साल बाद खिटखिट पिट पिट के बाद वो कहती कि मुझे अलग होना है, और जब बेटा कहता है कि अलग नहीं होना है तो वो उनको धमकी देती है कि फिर मुझे तलाक दे दो तुम, मुझे डाइवोर्स का प्रॉब्लम चल जाता है कि मुझे या तो तलाक दे दो या फिर तो मुझे अलग घर लेकर रखो, मुझे नहीं रहना तुम्हारी माँ के साथ। ऐसे केसेस आते हैं क्या आपके पास? अमूमन होता ऐसे ही है, जब बात हद से बढ़ जाती है और दोनों में हमांगी नहीं रहती तो फिर डाइवोर्स की तरफ ही जाता है मामला। लेकिन डाइवोर्स जो है ना, ये इतनी अच्छी चीज तो नहीं है, आपको पता है माशरा बिगड़ जाता है इससे। खुर्रम साहब तो बिल्कुल इसके खिलाफ है। मैं तो इसके खिलाफ हूँ। हाँ। मैं तो बहुत दफा बोल चुका हूँ इसके खिलाफ। तो बात यहीं पे होती है कि जब बिगाड़ पैदा होना शुरू होता है चीजों में, जब बर्दाश्त नहीं रहती है दोनों तरफ से, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बात जो है वो फिर। खुर्रम साहब, बर्दाश्त किसे करना चाहिए? दोनों साइड्स को। ज्यादा देखें, औरत को भी बर्दाश्त करना चाहिए और मर्द को भी बर्दाश्त करना चाहिए, दोनों को ही बर्दाश्त करना चाहिए। अब ये डिफरेंट हर केसेस में जो उसका तलाक होने वाली होती है तो उसका सिनेरियो चेंज होता है। अब कहीं पे औरत की तरफ से ज्यादतियां हो रही होती हैं, कहीं से मर्द की तरफ से ज्यादतियां हो रही होती हैं। तो बेसिकली अगर बच्चे हो जाते हैं आपके और फिर उसके बाद इस तरह से सिचुएशन पैदा हो रही होती है, तो बच्चों की खातिर दोनों को चाहिए कि बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करें, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करें। और ऐसा भी होता है ना कि जब जो बहू होती है, मतलब बेटे की जो मिसेज है, अगर उसने उसकी माँ की इज्जत नहीं की या फिर कुछ बुराई और इस तरह की बातें बताना शुरू कर देती है, तो क्या हस्बैंड की नजरों में भी वो गिर जाती है? बाजार भले वो शो ऑफ ना कराता हो, बट इंटरनली तो सोचता होता है। देखें, अब बच्चे ने माँ के साथ, बहन के साथ, भाइयों के साथ एक अपनी उम्र गुजार दी, 28-30 साल जिससे उसमें उसकी शादी हुई, तो तब तो पहले तो कोई इख्तलाफात नहीं थे, बीवी आई उसके बाद से इख्तलाफात शुरू हो गए, स्टार्ट हो गए हैं। तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। हाँ। ये तो एक पढ़ा लिखा इंसान या एक नॉर्मल इंसान ये ज़हन में तो उसके जरूर बात आएगी कि ये अब वजूहात क्यों पैदा हो रही हैं, अब मेरी माँ क्यों बुरी होती जा रही है, अब मेरी बहनें क्यों बुरी होती जा रही है, अब मेरे भाई क्यों बुरे होते जा रहे हैं। तो ये बात है, फिर वो उस तरफ सोचता है, फिर बीवी का रवैया भी देखता है, तो फिर इस वजह से जो है ना वो फिर बात जो है वो बढ़ती बनने के बजाय फिर बिगड़ने की तरफ जाती है। सही। गजल क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे विद्याशा हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, यहाँ पे हस्बैंड का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नजर आ रहा है। अगर देखा जाए, जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दी कि अगर बीवी ने कुछ कह दिया तो वही बीवी के नाम से, इधर बहुत सारे ऐसे हस्बैंड, यकीन माने मैंने इतना ऑब्जर्व किया इस चीज को एज ए रिसर्चर, बहुत चीजों को मैं बहुत ज्यादा कर देती है, अच्छी बात है। एज ए रिसर्चर बहुत सारी चीजों को हम लोग कीनली ऑब्जर्व करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें देखी है कि ज्यादातर बिगाड़ में ऐसा होता है हस्बैंड भी बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा होता है, वो इधर की उधर लगा रहा होता है, औरतों वाली बातें हो रही होती हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो है एक हस्बैंड को बिल्कुल मॉडरेट का रोल प्ले करना है, माँ की भी बात सुननी है, बीवी की भी बात सुननी है, और इधर की बातें उधर नहीं। और अगर माँ ने शिकायत कर दी आते ही, बीवी ने शिकायत नहीं की, माँ ने शिकायत कर दी अपनी बहू की, तो उसका क्या फर्ज बनता है कि वो जाकर बीवी को समझाए या हू बहू वही सारी बातें बताए कि मेरी माँ ने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा? यही बात सालिया मैं कह रही थी कि अगर हू बहू वो सारी बात जाके बीवी को बताएगा तो यहाँ से बिगाड़ पैदा होगा, बीवी की तरफ से कंप्लेंट्स आ जाएंगी, फिर वहां से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, वो सुन ली उसकी बात, अगर गलती है तो उसको पोलाइटली बिल्कुल अलग मैनर में, पोलाइट मैनर में जो है उसको समझाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि उसने आके कहा, हाइपर होके चीखता चिल्लाता उसके ऊपर चला गया, फिर वो भी चीखना स्टार्ट कर देगी कि मैंने तो ये बताया, बिल्कुल मेरे साथ इन्होंने दिन में ऐसा किया, मुझे चावल कम मिले, मुझे रोटी कम मिली। जी बिल्कुल। देखिए यही बात है गजल, अखरम साहब पता है कि मैंने ऐसा भी सुना कि ससुराल मैंने सुना है कि ससुराल में लड़कियों को खाना भी कम देते ना, तो उसकी वजह से भी लड़ाई होती है। हाँ ऐसा ही है,
असल में वही वाली जैसा खुरम साहब कह रहे थे सिनेरियो डिफरेंट होते हैं, फैमिली टू फैमिली वेरी करती है बहुत सारी चीजें, तो वो बाहर जाके खाकर आ जाए ना। देखिए अच्छा हम जैसी लड़कियां होंगी कामयाब शादी बाहर जाके खाकर आ जाएंगी। देखिए कामयाब शादी के लिए मर्द को ये चाहिए कि शादी से पहले अपनी आंखें खुली रखे और कान भी, ठीक है ना, और शादी के बाद कम बंद कर ले, कान बंद कर ले, और मतलब ये कि छोटी छोटी चीजों के ऊपर अपने जो है वो उसको, जिस तरह परम साहब ने कहा कि शादी के बाद आंख एक कान और एक जो आंख है ना वो बंद कर ले, मतलब माँ और बीवी अगर है बैठी तो यूं करके रहे यूं, और कहीं देख कर मैं नहीं देख रहा तुम लोग जो करना है वो करो। देखिए मिडिल का मिडिल मैन का किरदार अदा करना चाहिए ना, क्योंकि वो मिडिल मैन है बीच में। अच्छा बीवी की तरफ से प्रेशर आ रहा है, ठीक है यहाँ से सुने यहाँ से निकाल दे, माँ की तरफ से आ रहा है यहाँ से सुने यहाँ से निकाल दे, माँ की बात वहाँ कन्वे ना करे यहाँ की बात यहाँ कन्वे ना करे, इसको इस चीज को अगर वो लेके समझेगा और इस चीज को अगर वो इसको कंट्रोल करेगा तो बहुत सारे जो माशरे में जो बिगाड़ पैदा हो रहे हैं जो फिर इवेंचुअली तलाक के लिए हमारे पास लोग आते हैं वो चीज नहीं होगी, मतलब कम हो जाएगी। ये इस चीज में मियां का जो है वो अहम किरदार है, अगर बीवी ज्यादती भी कर रही है या वो थोड़ा सा वो बदतमीज टाइप की भी है तो मतलब कोशिश करना चाहिए कि कोशिश करनी चाहिए कि बर्दाश्त करें, क्योंकि जो तलाक है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया है कि हलाल कामों में अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंद और हराम के करीब करीब है। तो सोचे जरा कम अज कम अल्लाह पाक की रजा के लिए ही कर लें कि नहीं भाई अल्लाह को नहीं पसंद है ये चीज, और मर के क्या मुंह दिखाना है कि वो जिस घर में गई, और फिर सबसे बड़ी बात खुरम साहब जिस घर आने में जाती है वो पूरे का पूरा खानदान ये कह रहा होता है कि मतलब किस लड़की को लेकर आ गया हो, किस कहां से लेकर आया, इसकी कैसी तरबियत हुई है, मतलब ये सारी ये सारा ऐसे सेंटेंसेस है ना जो घिसे पिटे हमारे मुआशरे में बोले जाते हैं, ऐसे ही कि बोला जाता है एक्चुअल में यही कि इससे अच्छी तो वो लड़की नहीं थी क्या, फिर जब और भी रिश्ते लग रहे होते हैं जैसे कि उसे करवा देते वो ज्यादा बेहतर थी, वो ससुराल में निभाओ अच्छा, फिर बाद में पुरानी बातें याद आ रही थी, भले वो लड़की कितनी अच्छी क्यों ना हो बट वो थोड़े से अपने किरदार की वजह से सब कुछ बिगाड़ देती है। और ऐसे केसेस इतने ज्यादा है ना कि बिलीव करें इसमें मैं नॉन स्टॉप भी अगर बोलूँ ना तो मैं ही बोलती रहूँ, बट मैं चाहूंगी कि आप इस पर जरा और रोशनी डालें। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इंसान का किरदार जो होता है या उसका जो अखलाक होता है वो उसकी सारी शख्सियत का आईना होता है, बिल्कुल। तो इसलिए अगर इंसान जब शादी हो जाती है तो चले शादी से पहले आप कुछ भी थे कैसे भी थे, अब वो चैप्टर क्लोज हो गया, अब आपकी जिंदगी का नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, अब आपकी शादी हो चुकी है, अब आपके बच्चे होंगे, अब आपकी जिंदगी आगे चलेगी, कल को आप भी सास बनेंगी, आपके भी बहू होंगी, बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने उठाया। तो ये चीजें जहन में रखनी चाहिए डे वन से, आपने शादी कर ली जो था पास में जो भी था, सब लोगों से कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन ठीक है वो चैप्टर क्लोज हो चुका, ठीक है अब अल्लाह ने आपकी शादी करा दी, आपको एक मुकद्दस रिश्ते में बांध दिया, अब आपका फर्ज बनता है कि आप इसको अपनी जिंदगी को यहाँ से आगे लेके चलें और बेहतरी से इसकी इज्जत करें, अपने शौहर की रिस्पेक्ट जो है वो बहुत लाजमी है औरत के ऊपर, इसी तरह मर्द के ऊपर भी ये लाजम है कि वो अपनी बीवी की रिस्पेक्ट भी करे और उसकी आसाइश का और उसके आराम और सुकून का ख्याल भी रखे, और बीवी पे भी ये फर्ज है कि वो जब शौहर थका हारा घर पे आता है तो बजाय इसके कि शिकायतों के अंबार खोल के बैठ जाए पहले दो मिनट उसको पानी पिलाए, कोई अच्छे से बात करे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कोई अपने मसाइल हम मूड देखे, क्योंकि आप तो घर के अंदर है ना, घर के अंदर का सिचुएशन और है, आपने चूल्हा कपड़ा और जो है वो रोटी और बर्तन खाना पकड़ इनसे और बेगम से मतलब अम्मा से उसकी और ये घर में और ये इस तरह, और जो भार मर्द को सिचुएशन फेस करनी पड़ रही होती है वो तो बहुत सम टाइम तो बहुत डेंजरस होती है, लाइफ के लिए भी उसके बड़े थ्रेट्स होते हैं काफी ज्यादा, और ये चीज को औरत को जहन में रखना चाहिए कि जो मेरा मियाँ कमा के ला रहा है तो वो किन मुश्किलात से और किन परेशानियों से कमा के ला रहा है, तो अब वो किस तरह से करेगा, फिर डिमांड्स ज्यादातर मसला आता है कि जब डिमांड्स बढ़ती हैं औरत की तो आदमी कंप्लीट नहीं कर पा रहा होता, नहीं कर पा रहा होता तो उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट फाइटिंग स्टार्ट होती है दोनों में, और फिर वो क्योंकि डिमांड्स होती हैं कि भाई फलां के पास ये है, मेरी फलां दोस्त के मियां है उसको ये दे रहे हैं, फलां मुझे ये दे रहा है, फलां को ये दे रहा है, और हर कोई वो मशवरे भी औरत को दे रहा होता है जिसकी कभी शादी भी नहीं हुई होगी तो ये ऐसा होता है फलां की तो ऐसी होती है, तो ये चीजें जो है ना ये
जब डिमांड बढ़ जाएंगी और वो बेचारा कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो फिर तो बिगाड़ पैदा होगा इन दोनों में। इसी बात पे जब आगे बात बढ़ती है तो वो फिर वो ज्यादातर जब औरतें आती हैं हमारे पर डिवोर्स में तो वो उनकी ये भी होती है कि जी कमाता क्या है, हमारा तो गुजारा ही नहीं हो रहा इससे। और पहले नहीं पता होता, पहले नहीं पता होता ना, वही तो सोचने की बात है। जब वालदैन ने तुम्हारी शादी उस लड़के के साथ तय करके दे दी या तुमने खुद लव मैरिज कर ली तो उस टाइम पे तुम्हें ये देखना था ना कि वो क्या है। सही, अब जो है अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में वो लिख दिया है। अच्छा नहीं, उनको नहीं रहना होता ना तो उनको तरह तरह के बहाने और भी आती है सिलसिले में। खुरम साहब की बात को आगे मैं कंटिन्यू करूंगी। ये कह रहे हैं कि यानी कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कमाने वाला भी होता है, वो कमा भी रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे केसेस देखने में आए कि वो बीवी को साफ कहता है मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लूंगा, मैं नहीं उठाऊंगा। लिटरली ऐसे बंदे मैंने देखे हैं, कमा रहे हैं अपनी, इवन दो के बहन जो मैरिड है उसके पूरे खर्चे उठा रहा है वो बंदा, ठीक है, लेकिन बीवी को ये साफ कह दिया। क्यों? क्यों? क्योंकि बीवी खुद कमा रही है। अच्छा अच्छा, बीवी खुद जॉब कर रही है। इसका मतलब शादी के बाद लड़कियों को जॉब नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल जी, बीवी अगर जॉब कर रही है तो ये कहा जाता है कि तुम अपना खर्चा खुद उठाओ, मैं तुम्हारे जो है खर्चे नहीं उठाऊंगा, ऐसे भी कैसे हुआ? नहीं ये तो गलत है ना। देखिए डिफरेंट सिचुएशन होती है, डिफरेंट सिनेरियोस होते हैं, जैसे कि ये कह रही है कि बहन का खर्चा, तो उसमें ये भी सिचुएशन हो सकती है कि बहन का मियां कुछ ना करता हो तो भाई उसको सपोर्ट कर रहा हो, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना हजर, तो वो तो कर सकता है। इसमें देखिए वो वही बात आ जाती है कि देखिए अगर वर्किंग वूमन है औरत तो इंसान को अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। हाँ, सही है ना। आपने एक वर्किंग वूमन से शादी की, अब आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि जो है ना वो बिल्कुल आप उसको जिस तरह से उठा बोलेंगे यहाँ बैठ जाओ यहाँ उठ जाओ तो इस तरीके से होगा। फिर आपको अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। फिर आपको जो है ना, जाहिर बात है वो वर्किंग वूमन है, उनको कॉल भी आएंगी, आपको इसको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। सही है, जॉब करने वालों को तो कॉल आती है, ठीक है ना, फिर वो लेट्स भी होंगी। तो आपको अपनी वाइफ पे भरोसा होना चाहिए। सही, जितना ज्यादा आप अपनी वाइफ पे ट्रस्ट करेंगे उतना ज्यादा आपका रिलेशन अच्छा होगा, अच्छा और आगे की तरफ बढ़ेगा और उसमें बेहतरी होगी। और इसी तरह बीवी को भी अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट करना चाहिए। जाहिर है वो रात को देर से भी घर आ सकता है, सही, हजार मसले हो सकते हैं, तो उनको भी ये एकदम से दोनों तरफ से ये जेहन में नहीं आना चाहिए कि यार अगर ये लेट आ रही है तो इसका कुछ और चक्कर होगा, हाँ, और अगर ये लेट आ रहा है तो इसका कुछ और चक्कर होगा। तो ये जो है ना, ये तो मेन पॉइंट है जो अक्सर और बेशतर मतलब 99% तो यही बात होती है कि ये जो है ना, ये रातों को देर से आ रही है। अच्छा घर वाले भी फीड कर रहे होते हैं आदमी के कि ये देखो तुम्हारी बीवी तो इतने देर देर से आ रही है, वो कमा रही है अपना, ये कर रही है वो। ये चीजें जो है ना, ये इंसान के जेहन में रखनी चाहिए कि जब मैंने वर्किंग वुमन से शादी की है तो फिर उसके साथ जो मसाइल है मुझे उसको भी सारा अडॉप्ट करना पड़ेगा, सब कुछ लेकर चलना पड़ेगा। बिल्कुल अच्छा, और आजकल क्योंकि महंगाई है तो अच्छा है अगर आप वर्किंग वुमन से शादी करते, कोई मसला नहीं है, मिलजुल के अब ये ना करें ना कि जब शादी हो जाए फिर ये ना सोचें कि अब ये मेरा पैसा है और ये मेरा मियां का पैसा, फिर ये सोचा जाए कि ये सब हमारा पैसा, बिल्कुल ठीक है ना। अब मैं से निकल हाँ, के हाँ, आ जाए, हम में आ जाए, जब तो तमाम मसले हैं, जब हम हो जाएंगे, जब मैं से हम हो जाएंगे तो हम मिलके जब चीज कोई करते हैं तो वो चीज ज्यादा मजबूत होती है। अब देखिए, अब ये हाथ है, अब एक एक उंगली अलग अलग है, कोई भी उंगली ऐसे करके तोड़ सकता है। अब जब ये एक मुक्का बन जाता है बंद करके तो फिर इसको तोड़ना जो है मुश्किल है। तो इसी तरह अगर मियां बीवी भी मैं से हम हो जाए और वो ये मेरा पैसा और ये मेरा पैसा से निकल के ये हमारे पे आ जाए, और चाहे ये बीवी की फैमिली में कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको दोनों मिलके सपोर्ट करें, और इसी तरह अगर मियां के फैमिली में कोई किसी के साथ कोई बेचारा है इस तरह से तो उसको भी अगर मिलके सपोर्ट करें तो अच्छा, बहुत सारे मसले ऐसे भी तो होती है ना, वो कहती है कि जो मेरा बेटा है इतना कमाता है और फिर वो अपनी बीवी की फैमिली वालों को मतलब अपने ससुराल वालों को ही बहुत ज्यादा पैसे दे रहा होता है या सपोर्ट कर रहा होता है, तो क्यों कर रहा है? वही चीजें जो है वो मेरी बेटियों पर खर्च हो या वही पैसे मेरे घर पर खर्च हो। अब इस वजह से जो उसकी बीवी होती है, जो बहू होती है सास अम्मा की, वो ये कहती है कि मेरा शौहर है, मेरा मियां है, तो मैं मतलब वो मतलब अपना हक जता रही होती है, वो अपना हक जता रही होती है। अब सास बहू के चक्कर में वो जो बेटा होता है ना बेचारा, वो बेचारा फिस जाता है। सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही होता है। मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं वो सैंडविच बन जाता है। सही होता है, भूख लग रही थी, सुबह नाश्ते का टाइम है ना। हाँ तो ऐसा होता है।
ऐसा ही होता है तकरीबन इसी सिचुएशन में मर्द को चाहिए कि वो मिडिल उसका किरदार करे, मीडियोकर का, ये इसमें हाइपर नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो माँ के कहने पे बीवी के साथ हाइपर हो जाए और बीवी के कहने में माँ के साथ हाइपर हो जाए, हर किसी के हुकूक और फराइज उसके ऊपर है। देखिए ना, अगर माँ है, अगर उसको उसने नाराज किया तो फिर तो उसकी दुनिया भी और आखिर दोनों बेकार, खराब, बिल्कुल बेकार, सही है ना। तो माँ का तो दर्जा है, अल्लाह ने जो दिया वो उसको तो दर्जा, और कामयाब इंसान वही है जो बीवी को बीवी के दर्जे पे रखे और माँ को माँ के दर्जे पे रखे और सबको साथ लेके चले। माँ और बीवी का तो ठीक है, समझ आती है, बट यहाँ अगर बहन को वो मतलब ज्यादा इज्जत देने लग जाए या ज्यादा सोचने लग जाए, उसके बारे में कुछ भी करने लग जाए, वो चीज बीवी से बर्दाश्त नहीं होती है कि चलो तुम्हारी माँ की हद तक तो ठीक है, लेकिन अपनी बहनों के बारे में, बहनों के बारे में क्यों सोचते हो? बहनों के अपने हुकूक होते हैं अपनी जगह, लेकिन जब एक चीज हद से ज्यादा गुजर जाए, जैसे अभी पिछली जो हमारी बात चल रही थी, मैं कह रही थी अगर जो है बीवी से ये कहा जाए कि तुम्हारे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं नहीं उठाऊंगा, अपनी बहन की उठाऊंगा, बावजूद इसके कि बहन आपकी जॉब कर रही है, वो खुद कमा रही है, उसका हस्बैंड भी कमा रहा है, और आप जो है उसके बावजूद उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे आके तो वो बहुत लाडली होगी ना उस भाई, यहाँ पे आके क्लैश हो जाता है। देखो साले, ये बातें जब हम लोग कर रहे थे तो मैंने शुरू में यही कहा था कि एक लड़की जब अपना सब कुछ छोड़ के आपके घर में आ रही है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसको जो है अप्रिशिएट भी करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो भी एज ए हस्बैंड आपको उठानी है, ठीक है, सास को भी जो है उसको मोहब्बत देनी है, उसको अप्रिशिएट करना है हर मामले में, उसके ऊपर ट्रस्ट करना है। नन जो होगी, जो यानी उस घर की जो बेटी होगी, उसका भी यही होगा, और जब ये तमाम चीजें उसको मिलेंगी तो ऑटोमेटिकली फिर वो मोटिवेटेड होगी उनकी तमाम कामों के लिए। हाँ, और नंदे ये सोच लिया करें ना कि मैं भी किसी के घर भाभी बनकर जाऊंगी, बिल्कुल, तो अगर मैंने अपनी भाभी के साथ इस तरह का रवैया रखा तो आगे चलकर मेरे साथ भी यही होने वाला है, बिल्कुल। तो थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी अगर ये बात आ जाए या थोड़ा खौफ खुदा आ जाए ना, तब तो मसले ही हल हो जाए, बट वो ये समझती कि नहीं, जब तक ये है उनकी, जब तक सही से बजाते रहो। ये सिचुएशन आजकल इसलिए भी पैदा हो रही है कि हम लोग अपने दीन से दूर हैं। एग्जैक्टली, कुरान और सुन्नत और अपने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात हैं, जो उनके अपने फैमिलीज के साथ वो एक मिसाल थी उनकी जिंदगी, या अहले बैत अलैहिस्सलाम की जो जिंदगी है वो सब एक मिसाल है, ये हमारे लिए, या सहाबाए किराम की जो जिंदगी, ये सब हमारे लिए एक मिसाल है। ये इन सबको हमें देख कर, ये एक अल्लाह ने हमारे लिए एक मिसालें पैदा कर दी हैं। अगर हम अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम इन मिसालों से सबक हासिल करें और उनकी पैरवी करें। हम जो ये जो हमारे जो माशरे में बिगाड़ है, उसकी वजह ये कि हम दीन से दूर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दीन से दूर हैं हम लोग। और अगर हम लोग देखें, जैसे खुर्रम साहब कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की कितनी मिसालें हमारे सामने नजर आती हैं, कि अगर उनको देखें, जैसे कल मैं एक बयान सुन रही थी, उसमें यही बताया गया था कि एक बार हज़रत फातिमा जो हैं, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लम के पास आईं, वो नाराज़ सी थी, आप सल्लम ने पूछा कि भाई क्या बात है फातिमा, तो उसने कहा मेरी अली से लड़ाई हो गई। अच्छा, तो आप सल्लम ने कहा अच्छा, तो अली जो है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त जो है मस्जिद में सो रहे थे, आप सल्लम उनके पास गए, उन्होंने कहा अबू तुराब उठ, यानी उठने का कहा, तो हज़रत अली जो है वो उठे, और उसके बाद जो है बहुत मोहब्बत से उन्होंने आप सल्लम के पास जो है देखा, क्योंकि वो लकब जो है उसी वक्त आप सल्लम ने उनको दिया था अबू तुराब का। अच्छा जी, ठीक है, फिर उसके बाद उनकी सुलह करवाई। तो यहाँ पे जो होता है पेरेंट्स का, वो तो नबी करीम सल्लम की ज़ात तो बहुत अफजल है, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है पेरेंट्स जो है, लड़की के पेरेंट्स, आइदर वो लड़के के हों आइदर वो लड़की के हों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर लड़की के घर में कुछ मसले मसाइल होते हैं तो वो अपनी माँ के पास जाके डिस्कस कर लेती है, तो यहाँ पे माँ जो है बजाय इसके कि वो अपनी बेटी को समझाए और जो है मामले को हैंडल करने की कोशिश करे, वो हाइपर हो जाती है, मेरी बेटी के साथ ये हो रहा है, ये तो बहुत गलत हो रहा है, और इस तरह जो है वो और ज्यादा फिटिंग करती है, अपनी सास के साथ इस तरह रहो, मैंने अपनी बेटी को इतनी नाजों से पाला था, ये था अपनी सास के साथ, अब वो यूं करे ना, इसको यूं करो, नंद इस तरह करे ना, तो यूं करो, तो ये चीजें मतलब जो होती है, तो सवा शेर बन जाओ, बस वो काउंटर अटैक सिखा रही होती है ना, तो ये मसले सारे पैदा होते हैं जिससे आगे मसले मसाइल पैदा हो रहे होते हैं। हर औरत को चाहिए कि वो जो है हजरत बीवी फातिमा को एक मिसाल के तौर पे लें, क्योंकि वो जन्नत की भी सरदार हैं और हम सबकी माँ हैं। और नहीं तो औरतें और खवातीन जो मिसाल तो लेती हैं दुनियावी एक्टर्स को, मॉडल्स को, बिल्कुल, कि उसकी लाइफ देखो कितनी लग्जरी है, कितनी लाविश स्टाइल है, क्या है, मतलब लेकिन कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है।
कि उनकी लाइफ में भी कितनी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें क्या पता? हर चमकती हुई चीज सोना तो नहीं होती, ये जो भी ग्लैमरस लाइफ है उसके पीछे भी क्या उस तक पहुंचने के लिए भी कितने मसाइल से बंदे को गुजरना पड़ता है, ये तो उसी से पूछा जाता है। उनसे पूछें आप, सही बात सही है ना? जितना तो बिल्कुल जितना वो सफर कर रहे होते हैं बेचारे, किस तरह से, मेरा खुद भी ताल्लुक मीडिया से है, मैं इस चीज को जानता हूँ कि जो है मीडिया के लोगों की लाइफ के क्या मसाइल है। सही बात है। तो वो टीवी पे तो नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत मतलब, हाँ अगर हंस रहे हैं तो वाकई फुल डे वो हंस रहे हैं। हाँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम भी देखते तो कहते हैं यार कितना खुश रहता है ये बंदा, कितनी खुश रहती है, अब उसके बाद बिहाइंड स्क्रीन उसके ऊपर क्या क्या बीतती है उसे क्या पता, उसी को पता। फुल डे टफ टाइम गुजरता है, ऑफिस का काम, इधर का काम, उधर का काम, क्योंकि फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाता बंदा। नहीं, सबसे बड़ी बात ये कि अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है। सुबह का सुबह 5:30-6 बजे का एक बंदा निकला, अगर वो शाम 4-5 बजे घर जाता है, बस वो थक हार के तो चूर हुआ होता तो है, सोए गई बस क्या सोते करें? कि बस सोए, अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पाता है। सबसे जो मेजर इश्यू है वो ये है, वो और घर पे इसकी वजह से सब भी नाराज रहते हैं। बिल्कुल यही बात है। तो ये है मसाइल, इन चीज को देखना चाहिए इंसान को। जितने लोग ऑन स्क्रीन देख रहे होते हैं बस समझते कि ओहो वाओ वाओ भाई क्या जबरदस्त लाइफ है, क्या लाइफ है, क्या लाइफ है, कमर का ताज तो बदल जाता है कि उसकी शाम में कितनी धुलाई हो रही है घर पे, सब नाराज होते हैं। मेरी वालदा अक्सर, मैं जब शूट्स में लेट हो जाता हूँ तो मेरी वालदा हर घंटे बाद फोन करती है, कहाँ आओ, हाँ अभी कहाँ पहुंचे, क्या कर रहे हो, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, टाइम दो, देर हो गया। कभी कभी लेट नाइट काफी ज्यादा भी हो जाती है, रात को 3-3, 4-4 भी बज जाते हैं। सही सही। तो फिर उसको वो मजबूरी होती है, आपको शूट टाइम। अच्छा फिर मेरे साथ ये मसला है कि नेक्स्ट डे कोर्ट भी जाना है, सही, वो भी देखना है मसला, उसको भी, हाँ वो भी मॉर्निंग टाइम है, उसको भी मैनेज करना है। तो ये चीजें बड़ी मुश्किल होती है इंसान के लिए, नींद भी पूरी नहीं होती, नींद भी पूरी नहीं होती बातों का। सही। अब देखिए अगर नींद पूरी नहीं होती है और ऐसे ही जो मसाइल होते हैं जैसे खुर्रम साहब की वो है पूरी एक्टिविटीज है, रूटीन है, तो अब अगर इनकी मिसेज या इनकी अम्मा का यही वाला किरदार हो घर पे, तो सोचें ऐसे मर्द पे क्या बीतेगी। वही वाली बात है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दिन और रात काम करने वाले होते हैं, वो थकारा घर में आया है फिर इस तरह की बातें सुनने में आएंगी, वो तो हाइपर ही होगा। अभी घर का माहौल देख रहा है कि सब एक दूसरे से रूड बिहेव, सब एक दूसरे से खिंचे खिंचे से हैं, अच्छा बैठ नहीं रहे हैं साथ में, गपशप नहीं है, मतलब कोई हंसी मजाक नहीं है, तो सोचते कि बस रात के टाइम भी ना मुझे बाहर ही रहना चाहिए, घर तो आना ही, वो फरार के रास्ते अख्तियार। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और लेकिन ये क्या, अल्लाह का शुक्र है मेरे घर वाले तो काफी समझदार है। खुर्रम साहब ने एक मिसाल ले दिया ना कि जैसे आपकी जॉब टाइमिंग है, शूट टाइमिंग है, शूट है, और फिर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग को कोर्ट जाना होता है, उसके बावजूद जो इस टाइप के और भी बहुत सारे मर्द हजरात हैं उनके साथ अगर यही सिचुएशन होती होगी तो फिर क्या उनपे क्या बीतती होगी। देखें ये तो सिचुएशन जब होती है उसके बाद मसले मसाइल जब बढ़ते हैं तो वो तो डाइवोर्स की तरफ ही जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मीडिया के मेरे दोस्त हैं, उनके केसेस भी हैं मेरे पास, मैं नाम तो नहीं बता सकता, बाद में बताएगा मुझे। हाँ। लेकिन ये है कि वो मामले उनके इसी वजह से कि वो घर में टाइम नहीं दे पा रहे और वो लेट हो रहे हैं, और इसकी वजह से जो है उनके जो है वो मसाइल जो बढ़े और वो फिर इल्जामात की तरफ गई बात। सही, सही। इल्जामात के बाद वो इवेंचुअली डिवोर्स की तरफ आ गई है बात। बहुत सारे मामले अभी मतलब वो मैं उनको ये समझा रहा हूँ कि यार कोशिश करो कि आप उसको जरा रिकंसिलिएशन कर लो और मामला को सुधार लो, समझाया करे ना। मैं तो बहुत समझाता हूँ, मेरे पास औरत आए, किसी का घर अगर मतलब वो जाए ना, तो कहते हैं कि एक मस्जिद बनाने के का सवाब मिलता है किसी का घर अगर जुड़ जाए। तो खुर्रम साहब अभी हमारा ये टाइम खत्म होने वाला है, आपको भी अपने कोर्ट जाना है और माशाल्लाह से, तो आप क्या मैसेज है हमारे नाजरीन के लिए कि बहू और बेटियों में जो फर्क करती है सास अम्मा, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे और बहू को भी क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो भी सास अम्मा को अपनी अम्मा समझे, सास ना समझे। देखिए मैं सिंपल सा मैसेज यही देना चाहूंगा कि हर बहू को आगे जाके सास बनना ही बनना है। जब भी वो किसी के घर में शादी होके आती है तो वो ये ना समझे कि ये मैं किसी एक दुश्मन के घर में आ गई हूँ। हमारे यहाँ सोच यही है कि शादी होके आ गई, मैं दुश्मन के घर आ गई, और पीछे से वो उसको नए मैसेजेस मिलते रहते हैं रोज फोन के ऊपर कि भाई तुमने अगर ये वो ये करते हैं तो तुम वो करो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, अगर वो ये करें तो तुम उसके ये काउंटर अटैक करो। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जब शादी होके आ गई आप ये समझें कि ये मेरा अपना घर है, मैं अपने ये उसके मियाँ के बहन भाई मेरे बहन भाई, ठीक है। इसी तरह आदमी को और उसके जो माँ बाप वो मेरे माँ बाप, इसी तरह आदमी को भी ये चाहिए कि जब वो शादी कर लेता है उनकी उसके बाद जो है ना उसके वालदैन को लड़की के वो अपने वालदैन की तरह से ट्रीट करे, उसके बहन भाइयों को भी अपने बहन भाई की तरह से ट्रीट करे। सबसे बेहतरीन मिसाल मैं फिर वही कहता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की है। अगर हम सिर्फ इसको फॉलो कर लें
तो हमारे जिंदगी के सारे मसाइल हल हो जाए। जी थैंक यू। जी गजल, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बस एक छोटी सी बात करना चाहूंगी, अपनी सोच बदलिए आपकी दुनिया बदल जाएगी। ओहो वेरी गुड। बस सोच हमारा एक माइंड सेट हुआ हुआ है कि जो बहू जो होती है वो बहुत ज्यादा तेज तर्रार होती है, सास जो होती है बहुत ज्यादा खुर्रान होती है। बस बात ये सोच को बदलने की है, आपस में प्यार मोहब्बत खुलूस इख्तलाफात को बर्दाश्त करना, यही है। वो एक शेर याद आ गया मुझे, कहते हैं ना प्यार से बढ़कर नहीं दुनिया में कोई रोशनी, पी गए ये रोशनी तो आईना हो जाओगे, गुफ्तगू मीठी करो हर शख्स से झुककर मिलो, दुश्मनों के वास्ते भी दिलरुबा हो जाओगे। जबरदस्त, ठीक है जी, शुक्रिया। जी नाज़रीन, देखा आपने खुर्रम अब्बास साहब ने और गजल आलम ने कितनी अच्छी बातें बताई है कि बहू और बेटियों में जो फर्क करती हैं सास अम्मा या फिर जो बहुएं होती हैं वो भी समटाइम नाजायज और बहुत ही ज्यादा रूड बिहेव करती हैं, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और ऐसा होता है कि मतलब घर का माहौल बहुत खराब हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, घर पे जितने भी लोग होते हैं उनका आपस में मतलब इंटरेक्शन नहीं होता है, कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बैठा करें शाम में अपने घर वालों को टाइम दिया करें, सारे लोग मिलजुल कर सास ससुर बहू बेटा नंद देवर जितने भी लोग हैं बैठकर बातें क्या करें, आपस में खाने के टाइम लाजमी डिनर टाइम जो होता है वो साथ क्या करें, ऐसा ना हो कि सबने अपना अपना खाना लिया अपने अपने कमरे में चले गए, फेसबुक यूज कर रहे हैं मोबाइल यूज कर रहे हैं और बस अपना मतलब सेपरेट माहौल बनाया हुआ है, सेपरेशन की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसके साथ ही साथ जो मेरे प्रोड्यूसर साहब है बहुत मुझे तंग कर रहे हैं कि बस 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 करो बहुत लंबा हो गया है, तो ब्रेक में जाते हैं हम, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ न्यू गेस्ट मौजूद होंगे और बहू और बेटियों में जो फर्क होता है इसी पर हम बातें करते रहेंगे, तो आप देखते रहें इंडस गोल्ड।